अस्सलामुअलैकुम गाइस, उम्मीद है कि आप सब खैरियत होंगे। तो आज का व्लॉग करते हैं जी शुरू। तो आज हम आए हैं जी लाला जी बर्गर वालों के पास जी। इनका बहुत मशहूर है जी बर्गर। तो ये सामने मेरे सामने पुल है जी, पुराना पुल जिसे कहा जाता है। तो पुराने पुल से ऊपर जाने से पहले ही इनका यहाँ पे ठेला था जी। तो बर्गर खाएँगे जी और आपको जायका बताएँगे, कैसा जायका इनके बर्गर का। तो बनवाते हैं बर्गर, एक बर्गर लगा दें जी हमारा स्पेशल बर्गर। एक ऑर्डर दे दिए जी हम लोगों, तो बर्गर बनाने लगे हैं जी हमारा भाई। तो ये देखें जी, पहले बन का ऑर्डर। तो ये भाई ने टिक्की खाई है, तो टिक्की को फिल करेंगे अच्छी तरह। ये देखें जी, नाइफ से फिल कर रहे हैं बन के ऊपर। तो देखें जी, अच्छी तरह फिल कर दी इन्होंने। ये मैं है आई थिंक आलू की टिक्की है इनकी, जो है ना लग तो आलू की रही है। अब ये सॉस लगा रहे हैं, सॉस तो मैंने कहा है मिर्चें कम लगाएं, खाया नहीं जाएगा। कहते बेफिक्र हो जाओ, इतनी नहीं है जितनी देखने से लग रही हैं, लेकिन खाने में इतनी नहीं होंगी। तो अभी गर्म कर रहे हैं ऊपर रख के तवे पे। अब देखते हैं इसके बाद क्या लगाते हैं। ये देखें जी, क्रिस्पी सा हो गया ऊपर से। तो भाई अंडा बनाने लगे हैं मेरा ख्याल है। ये देखें जी, अब अंडा तोड़ा है। तो अंडा फ्राई बना रहे हैं अंडा। कहीं जहाँ पे देखा जहाँ पे अंडा फेंट के बनाते हैं, तो इन्होंने फ्राई अंडा बनाया। तो ये काली मिर्च और नमक वगैरह ऊपर डाला है। तो अब इसको देखें जी, चम्मच की मदद से तोड़ दिया। तो जर्दी देखें जी, लदा हो गया है। और ये चटनी लगाई है, अब ऊपर सॉस लगा रहे हैं अपनी ये बनाई इन्होंने। तो ये देखें जी, फुली पैकेज सीन है, मुँह में पानी आ रहा देख के। तो दूसरी साइड अंडे की बना, तो चटनी और सॉस के बाद ऊपर मायनीज लगाई है इन्होंने जी भाई ने। ये देखें जी, अब ऊपर कोई मसाले वगैरह डाल रहे हैं, चाट मसाला आई थिंक ये। तो अंडा ऊपर रख दिया इन्होंने बर्गर के। तो दूसरे जो ऊपर वाला बन है उसके ऊपर मायनीज लगाने लगे हैं। सॉरी, पहले मसाला लगाएंगे फिर मायनीज लगाएंगे दूसरे बन पे। देखें जी, ऊपर केचप डाल ली इन्होंने। उसके बाद दूसरा बन गरम किया, अब मायनीज लगाएंगे। मेरा पक्का ख्याल है, ख्याल कैसा अच्छा है ये। अब मायनीज लगाएंगे, ये मायनीज लगा दी, जैसा मैंने कहा था वैसा ही हुआ, क्योंकि हम बर्गर खाते रहते हैं अक्सर। इनके तो फर्स्ट टाइम हमने ट्राई किया, ट्राई करने लगे हैं, लेकिन कई बार खाए बर्गर अपने इधर से, वो भी मज़े के होते हैं। अब ये खाएंगे तो फिर पता चलेगा मज़े के या नहीं मज़े का। देने से तो मज़े का ही लग रहा है, अब खाएंगे तो फिर ही पता चलेगा। तो गाइस, देखने में तो बहुत टेस्टी लग रहा है, तो ट्राई करेंगे और आप लोगों को बताएंगे जी। तो प्याज और टमाटर वगैरह हमने खुद ही नहीं लगवाया जी, पसंद नहीं है इतने ख़ास। तो वो कह रहे थे लगा दे, तो मैंने कहा नहीं भाई हमें पसंद नहीं है। तो माशाल्लाह देखें जी, तैयार हो गया जी। जी बहुत अच्छा लग रहा है जायका, मुंह में पानी भी आ रहा है जी, बिस्मिल्लाह। पहले मैं ये केचप का टेस्ट करूंगा, फिर चटनी करूंगा। गाइस मज़ा ही आ गया। आप लोग सोच रहे होंगे प्याज और टमाटर क्यों नहीं डलवाए, क्योंकि हम लोगों ने खुद ही नहीं डलवाया, हमें पसंद नहीं है जी। मुझे गाइस मज़ा ही आ गया, दस नंबर की दूंगा। तो गाइस अब एक पीस रह गया, एक पीस मेरे लिए बचा था। वैसे दिल तो नहीं है मेरा, लेकिन मैं एक पीस चख के बताता हूँ आपको कैसा था। कैसा नहीं, ने बताया कि बहुत अच्छा है, तो मैं ट्राई करता हूँ जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
एक चक्की से कुछ नहीं बना, दूसरी चक्की लगाते हैं फिर बताते हैं दाई का। जो जब मैंने दूसरी चक्की लगाई है ना, इससे मज़ा, जो मज़ा आता है ना, वो मज़ा ही आ गया, वाकई वाला असल वाला मज़ा आया। और सही मिर्चों ने धोनी दी हुई है, सही मिर्चें से भरा हुआ है। जो आम होता है ना वो फीका सा होता है बर्गर, इनका बर्गर सही मिर्चें वाला अच्छे वाला स्पेशल बनाया उन्होंने। आपने देखा ही होगा बार बार मसाले वगैरह डाले उन्होंने, पता नहीं मुख्तलिफ मसाले डाले उन्होंने, तो उससे मज़ा डबल हो गया। तो मैं भाई से पूछूंगा जी ये कौन सी जगह, एड्रेस बता दें भाई कौन सी जगह। ये पुराना फातिमा जीना रोड है जी, और पुराना पुल के नज़दीक है साथ ही। तो इनसे ये मैं पूछूंगा जी, ये जायका आज तक वही रहा है, बरकरार है, कभी मतलब बदलाव तो नहीं आया जायका में? जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जायका एक जैसा ही है, और माशाल्लाह सब ने तारीफ़ की है हमारी, और एक जैसा ही हमारा जायका होगा बिल्कुल। तो ये बता रहे हैं जी एक जैसा जायका, कभी जायका बदला नहीं गया, तो मुझे भी एक बहुत अच्छा जायका लगा। तो मैंने जिस तरह से आप लोगों को बताया, तो जब भी आप सरगोधा हैं तो इनसे बर्गर ज़रूर खा के जाएँ। इनके पास बर्गर भी है, अंडा टिक्की है, और शायद रोटी भी है। हम लोगों ने सिर्फ बर्गर खाया, तो आप लोगों को बताया बर्गर का कैसा जायका, बर्गर का ही जायका बहुत अच्छा लगा। उम्मीद है कि आज का व्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा होगा। इसी के साथ वीडियो को लाइक कर दें, जो हमारे चैनल पर नहीं है काइंडली सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।